छिंदवाड़ा के वीर सपूत शहीद स्वर्गीय श्री कबीर उइके को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। राज्य शासन की ओर से मंत्री श्रीमती संपतिया उइके शहीद की अंतिम विदाई में हुई शामिल। मंत्री श्रीमती उइके ने शहीद स्वर्गीय श्री कबीर को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। कलेक्टर श्री सिंह व एसपी श्री खत्री सहित प्रशासन, पुलिस व सीआरपीएफ के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में शहीद को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। छिंदवाड़ा जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए छिंदवाड़ा जिले के वीर सपूत सीआरपीएफ के जवान स्वर्गीय श्री कबीर उइके का पार्थिव शरीर आज विशेष वाहन से उनके पैतृक ग्राम पुलपुल डोह तहसील बिछुआ लाया गया, जहां उनके निज निवास में गार्ड ऑफ ऑनर देने के उपरांत राजकीय सम्मान से शहीद को अंतिम विदाई दी गई। राज्य शासन की ओर से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपत्ति उइके शहीद स्वर्गीय कबीर के निवास पहुंची और उनकी अंतिम विदाई में शामिल हुई। मंत्री श्रीमती उइके ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें सम्मान नमन किया और ईश्वर में शहीद जवान की पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की। उन्होंने परिजनों से भी आत्मीय मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और ईश्वर से शहीद के परिजनों को यह असीम दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। उन्होंने जानकारी दी कि शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शहीद के परिजनों को संबल देने उनके पैतृक ग्राम पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि यहां के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने चर्चा कर सर्वसहमति व्यक्त की है कि शहीद स्वर्गीय कबीर की शहादत को सम्मान देने के लिए एक गेट, एक चौराहा और जहाँ उन्होंने अध्ययन किया है उस स्कूल का नामकरण शहीद के नाम पर किया जाए। राज्य शासन की ओर से शहीद के परिजनों की हर संभव मदद की जाएगी। उल्लेखनीय है कि छिंदवाड़ा जिले के ग्राम पुलपुल डो थाना बिछुआ के श्री कबीर उइके जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ में तैनात थे। मंगलवार की रात कठुआ में आतंकी मुठभेड़ में गोली लगने से वे घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया परंतु उन्हें बचाया नहीं जा सका। शहीद की अंतिम यात्रा में मंत्री श्रीमती उइके के साथ ही छिंदवाड़ा जिले के सांसद श्री विवेक साहू व पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर श्री शीलेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री मनीष खत्री, सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी आईजीपी श्री गुरशक्ति सिंह लोधी, डीआईजी श्रीमती नीतू भट्टाचार्य व श्री बी आर जामोलाभाकर, कमांडेंट श्री जी पंडित नाथ सिंह, एसडीएम चौराई श्री प्रभात मिश्रा व एसडीओपी चौराई सहित पुलिस प्रशासन के अन्य अधिकारी, गणमान्य नागरिक, ग्रामवासी और शहीद के परिजन शामिल हुए। सभी ने शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई।